बात अगर चाह ले तो तोके भी बहुत जल्द बहुत अच्छा और उचित वर मिल जाएगी। हाँ, हमरा बहुत खराब लागत रहे कि बड़ी के रहते छोट के रिश्ता हो रहल बा। दीदी बधाई होके। जितना प्यारा सूरत उतना ही प्यारा मुस्कान। हम जल्दी शगुन लेके आए। अब तू जल्दी से हमार सागर के दुल्हन बनके हमार पास आ जा। हम चलते हैं। अच्छा बेटा, खुश रहा। तुम्हें पता ना का बात है लेकिन में देखा दो बार मुलाकात भई। आज पहला बेर बात भई लेकिन मन से जैसे वो आवाज से उठत रहे कि ये हो लेकिन आपन सागर के दुल्हन। लेकिन हिमा के देखनी आप? हाँ, काहे? आपकी न लागत था कि वो इतना खुश हाना जितना लागत रहली। तोहार हिम्मत कैसे भइल उनकर सामने आके खड़ा होवे के? हिमा, तू ही बेचारी पर गुस्सा काहे निकाल रहल हो? ये तो कुछ ना कहले है। हाँ, कुछ ना कहले बाड़ी। एगो परिंदा उड़ के गइल, ठाकुर ठाकराइन के न्योता दे आइल, ये पल मंदिर में आवा विद्या रानी प्रतीक्षा कर रहल बड़ी। सोनू, हम तो रोक ले रही। अब तू छोट ठकराइन बने वाला बाड़ू तो अब चूल्हा मत झोंका। बाकी ना मानल ना गईल किचन में खाना बनाबे। खाना जला बैठल कहानी कैसन बा? वेरी फंटास्टिक। अब देखा तानी कि जलल चेहरा वाली दुल्हन कैसे पसंद करेले ठाकुर और ठकराइन। हमार पति के विद्या के पिता के घर हा। आधा जीवन तो नौकर बन के बिता लेली हम। हर गलत बात सुननी, हर गलत इल्जाम लगाई गई। हम कुछ ना कहनी सिर्फ विद्या खातिर। तू कालू ठाकुर जी के सामने मत आवा, वो ना आएली। तू कालू ओकर साया से भी दूर रहा, वो दूर रहली। ओकर मुँह तो मोड़ ले लू तू। भाग्य के मुँह कैसे मोड़ बुहा? अगर एकरा आगे कोनो भी ना इंसाफी कहलू एकरा साथ तो हम ना साहब कह दे थे हम ना साहब।
बाहर निकला तू दोनों, अब ये घर में तू दोनों खातिर कोनो जगह नहीं खे, निकल। हमनी के रोटी तोड़ के हमनी के आग दिखा देलू। उठा बिटिया। तरीका आ गया उसके साथ पेश आवे के। अभी तनी देर पहले तो बहुत खुश रहनी आप रिश्ता से, अब का हो गई? इता हम यहाँ पर्स भूल गए रहनी, यही खातिर हम के यहाँ लौटे के पड़ल। ना तो हमके तुहार असलियत ना पता चलत। हमनी के बात तो सुनी ठकुराइन जी। तू हमार बात सुन हेमा, विद्या हमार घर के होए वाली दुल्हन है, तोरा खातिर छुटकी ठकुराइन। आज के बाद विद्या के उहे सम्मान मिले के चाही जे तू छुटकी ठोकराइन के देतो। एक बार आप हमनी के बात तो सुनी ठाकुर जी। हमके कुछ ना सुने के है माँ, विद्या कैसे ना हमके मालूम है। उमा ये बियाह अब जल्दी से जल्दी हो जाए के चाही। लेकिन छोटे ठाकुर पता ना उनके विद्या पसंद आवे कि ना, उ तो विद्या के देखले तक ना आई। कौशल्या ये बात तो बड़का ही तय करेला ना, अफेनु विद्या के हो कि पसंद ना आए ही तो हो ही नहीं खे सकत। तू विद्या के विदाई की तैयारी करा, हम लोग चलत हैं। शंभुनाथ हमके शक्ति दी, हम कोनो गलत काम ना कर सकत है, हम शालू के वरना छीन सकत है। छोटा ठाकुर पर सिर्फ शालू के अधिकार है, हम ओकर अधिकार ना छीन सकत है। हमके शक्ति दी भगवान, हमके शक्ति दी। ठाकुर साहब हम क्या आप धुतकार दी, हम क्या अपन बहुमत बनाई, हम छोटा ठाकुर के लायक ही ना है। आप हमारे बारे में कुछ ना जानत है, और ई शालू के वर है, हम ओकर रास्ता में ना आ सके नी। आप हमकी धुतकार दी, ई पाप हा, हमके ठुकरा दी आप, हमके ठुकरा दी। उमा आज ये विद्या साबित कर देलस कि हमार फैसला कितना सही है। कमल के फूल जैसन पवित्रता है एकरा में। विद्या तू चाहे अपना आप के सागर खातिर सही ना समझा, लेकिन हम जानेला कि सागर के लागे कोनो लड़की सही है तो सिर्फ सिर्फ तू हो। सोच के देखा बेटा, ना तो तुहार नाम पंडित जी के देल नाम के लिस्ट में रहे, ना तोरा से कोनो बात कैलस, ना केहो देखे आइल, लेकिन भाग में रहे हम मिली से मिल गई नी। ये फैसला ना तोहार रहे ना हमार, ये फैसला ता ओकर ऊपर वाला के रहे। ओकर फैसला के यूं नकारे वाला हम के हैं बेटा। हाँ बेटा, जोड़ी ऊपर बनेला जरूर, लेकिन उनकर मेल यहाँ होवेला, और शालू के भी कोनो अच्छा वर जरूर मिल जाए। चला
तू अभी बारे में बिल्कुल सोचल बंद करा और घर जा। जेनू जा विद्या के घर छोड़ावा। चली? हम अकेले चल जाएं। आपके लक्ष्मण अभी यहाँ पे बा। चली हम छोड़ के आवता नहीं आपके। आखिर हम आपके ढूंढ ही निकलनी ना। अरे हम तो आपके उराद के देख के ही समझ गए रहनी कि भगवान आपके हमनी के सागर भैया खातिर ही बने ले बा। आज लड़की के निश्चलता के देख के लग रहा है कि घर के लागी वाकई बिल्कुल सही है। सचमुच एगो हीरा है, किंतु माँ हम जे कुछ भी ओकरा साथ करत है वो सही है। का वो जाने लाई घर के बारे में, सागर के बारे में? विद्या, हम और ठाकुर साहब तो के कुछ बतावल चाहते हैं। लेकिन ये बात हम अपन जबान से ना बोल पाए। यही खातिर ठाकुर साहब द्वार खातिर चिट्ठी दे ले। मगर हम ता कोनो बात ना, यहाँ पढ़े की जरूरत ना हा। तू घर जाके आराम से पढ़ लिया और उकर बाद तो हर जे भी फैसला हुई वो हमके मंजूर हुई। चिंता मत करा, सब कुछ ठीक होगी। विद्या बेटा सदा खुश रहा। कुछ पल ऐसा हो खेला जो कबो ना भूलल जाला, जैसन की तोहरा से पहला मुलाकात के पहला पल। और शायद वो दिन हमने के लग गई कि तू ही सागर खातिर सही दुल्हन बाड़ू। सागर तोहरा पसंद बाकी ना, एकर फैसला हम तोहरा पर छोड़ता नहीं। ऐसे हम सागर के बारे में तोहरा कुछ बतावे चाहे नहीं। भैया, हाँ, अरे इतना पूरा धूल गईल। कुछ पढ़ल भी ना जा रहा बा। चल तू उतना तो पढ़ा जितना दिखाई दे रहा था। अच्छा ठीक बा। और ऐसे हालांकि हम चाहत रहे कि सागर के दुल्हन इहे से रहे। सागर के शादी खातिर सागर पहले तैयार ना रहे। बाकी तोहरा से मिलने के बाद हमने के लाके लखी उ तू ही बाड़ू जे सागर के हर खुशी दे सकेलू। ऐसे हमने ये रिश्ता के बारे में सोचनी और अब भगवान के कृपा से सागर भी मान गई। सब जाने के बाद फैसला तोहरे हाथ में बा। अगर तोहार फैसला हाँ में बा ता आज हमने के तू आरती के बाद मंदिर में मिला। अगर तू वहाँ रहू तो हमने समझब कि तोहार फैसला हाँ में बा, ना तो फिर कोनो बात नहीं के। विद्या तो तू का सोच लू? पता ना, बीच के कुछ हिस्सा तो तू पढ़ ना पैलू। कुछ ऐसन जो बड़का ठाकुर हमके छोटका ठाकुर के बारे में बतावल चाहत रानी। देखा जे कुछ भी रहल ना वो सब शुरू शुरू में रहल। शुरू में छोटा ठाकुर गांव के सीधा साधा लड़की से शादी ना करत चाहत हुई है। बाकी आप तो राजी भाड़े ना, तो का फर्क पड़ेला। फिर तोरा भी तो छोटा ठाकुर पसंद बाड़े ना, तो तू का सोच ले बाड़ू, तू मंदिर जेबू की ना?
तो ना आइल, मतलब ओकर जवाब बेटा तू तैयार हो? आज हम इतना खुश है बेटा, कहाँ कहीं। अब हम चली घर पर माँ हमार। हाँ बेटा जा। भाभी जी एक मिनट, इली बाहर ठंड बा। आप ये हम। अरे बाबा दद्दा के बा पहिन भी ली। मगर हाँ लौटा जरूर दे, दद्दा के खास जैकेट हा, उनकरा ई जैकेट बहुत पसंद बा। ई जैकेट ऊ खुद पहन सकेले या फिर ऊ लोग जो उनके बहुत करीब होखेले। हमके तो अभियो यकीन ना हो रहा था। माना माना सारा सपना सच्चाई में बदल गई ला। सच काले रहली ठकराइन, हमार विद्या हीरा है हीरा। ता छोटा ठाकुर से मिलके आईलू, बोला ना हम किताब अभियो धुंधला धुंधला सा तस्वीर याद हा। याद हा तू दोनों साथे खेलत रहलू, पता छोटा ठाकुर बहुत होशियार रहले, सवाल पूछ पूछ के तोहार पापा के हैरान कर देत रहले। और फिर तोहार बाबा कहनी इतना छोटा उम्र और इतना बड़ा अकल। और फिर वो राजकुमार और सिपाही वाला खेल, छोटा ठाकुर राजकुमार बनत रहे और वो राजकुमार जे राजपाट जीत के लौटल हुई, फिर तलवार तुहार तरफ करके कहत रहे विद्या हमार राजकुमार हमारी बाड़ी हम एकरा दिल्ली लेके जाई। और आज उहे वादा पूरा करे जा रहा लहू। कितना प्यारी लग रहा लहू तू, क्यों के नजर ना लग जाए। नजर तब लग चुकल बा और ये नजर तोहार हर खुशी तबाह कर दी, सिर्फ एगो चाल चले के पड़ी। हर्ष भैया आप जल्दी करी ना, अब बगल वाले गांव में नौटंकी चल रहा है, आप लेट करिए तो हम लोगन के टिकट वही ना मिली। अरे हम बानी ना तू लोग के साथ, तो टिकट की चिंता काहे करा तारा बच्चा, चला। अरे तू भी ना हमके पसंद वाला नौटंकी लेकिन एकरा कुछ ज्यादा ही फुदके आवेला। नौटंकी में जाए के बहुत जल्दी बात तोहरा के, आपके हमरा से का चाहिए? कुछ हो ना तोहरा के हमरा से चाहिए विद्या। विद्या सही कि गलत? मतलब? मतलब ओ दिन हम देख ले रही कि तू विद्या की कितना चाहेला, शादी करवा ओकरा से। अरे हाँ हाँ बिल्कुल करब,
पीछे तो ना हटबा। अरे चाची, एक बार हम कदम आगे उठा दी ना तो पीछे ना हटब और ना केहू के हटे देब। हाँ बस हम तो समझ गए ले रही कि तुहार खासियत बा, इसीलिए तो हम यहाँ आए ले बानी। अरे प्रणाम चाचा जी। खुश रहा बेटा। यानी यानी कि आप सब हमी के ब्याह खातिर तैयार बानी ना? हाँ। और विद्या? वो भी और ओकर माई भी। कहाँ? हाँ वो राज्य भइल, ओकर बाद विद्या के हाथ तोहार अलावा और के थामी। अच्छा। हाँ अगर ऐसा बात बता कौशल्या का कि खुद काहे ना आईली सगुन लेके। बहुत सवाल करेला, फिर भी सुना तोहरा के तो पता बा कि तोहार होवे वाली सास बीमार रहेली से अभी बिया और विद्या ओकर सेवा में लगल रहेली। अच्छा 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 इला। वैसे हमने सब जाती रहनी शहर शादी की तैयारी करे खातिर। हाँ लेकिन अगर आप कहा था नहीं तो हम रुक जाता। ना बिल्कुल ना, तू जा पूरा तैयारी करो लेकिन एक दो दिन में जरूर लौट आइया। हाँ? हाँ शादी बाना तो हार और शादी हमने इतना धूमधाम हाँ। से करब कि सारा गांव देखता रह जाए। ला आ गए नहीं हम फिर से अपन सिफारिश के पिटारा लेके। शंभुनाथ वो रेवती मौसी के छत था ना, वो सुरसुर के टपक रहा ला। कुछ ऐसा कर देना कि कम से कम उनका इतना पैसा मिल जाए कि छत ठीक करवा सके। हम के पता आप सब कुछ कर सकत है। उ दिन हम आपसे सविता मौसी के बुखार ठीक करे कहले रानी ना, पता है बुखार दोपहर तक छूमत है। वैसे हमसे राधा कहले कि आप हमार बहुत सुनत है। वैसे ये कितना सच भी था जोन तरह से आप हमके और हमार माँ के हमार दुख से उबार ले हैं। जे खुशी आप हमके और हमार माँ के देले हैं वो तो पता है हम ना माँ के कब्बो इतना खुश ना देखनी है। आजकल आजकल हर वक्त मुस्कुरावत रहेली, सोचा प्याज काटत वक्त भी बिल्कुल ऐसे मुस्कुरावेली। बस आप उनकर ई मुस्कुराहट हमेशा बना के रखिया। और हाँ सबके यहाँ पर खुश रखिया, ठाकुर ठाकुराइन के तो सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा है तुन्नू और चीनो भी। बतावा दो तीन दिन की मुलाकात में कितना आपन सा लागा था। और हाँ शंभुनाथ और शालू है ना, ओकरा खातिर जल्दी से एक अच्छा सफर दिलवा दा तब बात बन जाए। और हाँ उनका ना उजे है ना उनका भी बहुत खुश रखिया। उन्हें के हा बच्चा उनकर कौनो नाम तो होती। शंभुनाथ? शंभुनाथ तो हम बानी बच्चा, हम तो उन्हीं के नाम पूछा तानी। के हो जेकर नाम तोहार जबान पे आते ही तोहार होठ कापे लागेला। अब शंभुनाथ अब आप तो उनका जाना थे। शंभुनाथ सागर ये नाम है ना ओकर। हमरा के सब पता है बच्चा, वो तो हर दिल के तार छेड़ देले बा। हाँ ना बोलो। अरे बोलत काहे नहीं खूब। ये आवाज तो चल गई। यहाँ है हम तुहार झूठा जीप के पीछे। तो एक ना में झूठ कमा, कल तो बड़ा घबरावत रहलू और आज उनका नाम अपन जबान पे ना ला पा रहलू। काहे हमार दुल्हीन हटा। विद्या 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 सुनो सुनो सुनो, पता बना तू मिलने रहलू उनका के का बात भाई। तहार हाथ पकड़ ले रही, तहरा छू ले रही। चुप रहा तू, हम ना बताए तो के कुछ हो। एक कर मतलब हाथ पकड़ ले रहे,
बतावा ना यार, का भइल बतावा ना। तू कितना बेशरम हो। छी, ठीक है, लेकिन हम भी तोरा से जान के रहब छोड़ब ना, तोरा के का भइल बतावा। का कह सकत हई, ऐसे भी आप तो ठाकुर साहब के होए वाली समधन हई, है ना? और वैसे भी ठाकुर जी कहले बानी कि उहे सब खर्चा उठाई है ना। हाँ, बोल लेता हई, लेकिन उनकर अच्छाई के ए तरह से फायदा तो ना उठा सकत। हमके छोटा ठाकुर के कुछ होते देवे के ही पड़ी। और फेनु विद्या के भी तक खाली हाथ विदाना कर सकत हैं हम। सही कहत हैं आप। अच्छा भाभी, एक बात बताई, आपके का लगला कितना खर्चा आई? अब 1 लाख से कम में का होई? अरे दैया, फूटल किस्मत हमार। अरे इतना पैसा होखा तो चिंता कौन बात के रहत। यहाँ तो 100 रुपया के लाला पड़ल बा और आप लाखों में खेल रहल बानी। कमाल बात करते हैं भाभी आप। अब हमरा पास जो कुछ भी हो सब आपके सामने ही है। कुछ छिपल तो हाँ ना, ऐसा तो हाँ ना कि हम सब रोज सोना के निवाला खा रहा नहीं। हमार पास तो देवे खातिर कुछ होना हा। बात सही काहे ना बा? का मतलब? मतलब एगो सुझाव है, हमनी घर गिरवी रख सकेनी। ई घर के गिरवी? लेकिन ई घर तो विद्या के पिताजी के आखिरी निशानी है, एकरा कैसे हम? विद्या भी दद्दा के निशानी भी है ना। अगर दद्दा रहते तो अपना बेटी के ब्याह खातिर इतना भी ना करते। हाँ। अरे तू काहे बीच में बड़बड़ करत तारू? हमार मतलब है घर भाभी के है तो इनके फैसला लेवे दो ना। ठीक है, हम घर के गिरवी रखे खातिर तैयार हैं। बस विद्या के ही बात के पता ना चले के चाहिए ना। अगर उकरा पता चल गई तौई भी खातिर कबो तैयार ना होई। दीदी ना, बिल्कुल ना पता चली। हाँ। चली जी, फैसला हो गई, साहूकार से बात करल जा। आवा आवा। हम अभी शंभुनाथ से कह के आ रहे हैं कि हमार माँ पूरा वक्त मुस्कुरावत रहेली। और तू यहाँ का भइल है माँ? ना कुछ भी तना। हाँ हाँ, छुपाला हमसे, जैसे हमके तक कुछ समझ में ना आवेला, है ना? का भइल है माँ, बतावा ना। जिनकर बेटी विदा होए वाला रहेली ना, उनकर आँख में रह रह के आंसू आ ही जाला। अरे तो के छोटा ठाकुर के कोट लौटावे के है ना, जा उनका शायद जरूरत पड़ी। हाँ हम अभी जाते हैं। शंभुनाथ, बस सब कुछ बिना रुकावट के हो जाए और विद्या की बात के कबो पता ना चले। उमा तू जानत बारू हमरा पास बिल्कुल समय ना हा। तू जानत बारू अगर ओकरा पता चल गेल सागर के बियाह होवे वाला त का होए? पहले आप शांत हो जाई और आराम से यहाँ बैठी जी। अरे वो तीनों बेटी है हमार, सागर के बहन है। जानत है बेटी है हमार सागर के बहन, लेकिन का तू बहन के सच ना जाने लू? और का तू यू नहीं के जानत केनी हम आंख मुन्नी ना उधर उ तोहार साथ का करी? तू तो ओकरा प्यार करे में कबो कोनो कसर ना छोड़ लू, लेकिन ऊ तोके आ सागर के कबो आपन ना मानलस, हमेशा सौतेला मानलस। जी कोनो बात ना, हमके ही बात के कोनो दुख ना हा। लेकिन हमके हा दुख भी या दर्द भी, ये खाते सब कुछ अपना आँख के सामने होवल देखल चाहते। तू बाजार जा और तैयारी करा,
ये ब्याह जल्द से जल्द होई। जी प्रणाम। हम ई लौटावे खातिर आयल रहनी, उनकर जैकेट। बहुत सही समय पर आयलू, तनी समझावा ठोकराइन के कि जे घर में थोड़ा दिन बाद ब्याह होए वाला हो, वहाँ भागदौड़ तो करे पड़ेला। मालूम है हमके, लेकिन अगर घर में केहू ना हो तो हम आपके घर में अकेला छोड़ के ना जाए, बस हो गई बात खत्म। अरे चीनू और सागर तो पहले से ही बाहर गई है, अगर हम भी चल जाए तो आपके ख्याल के रखे। अगर आप कहीं तो हम यहाँ रुक सकते हैं रात तक देखभाल करे खातिर, और अगर हम माँ के बता के आए कि हम यहाँ पर हैं तो वो तो मना भी ना करी है। इली, अब का शंका रह गई, अब तो हमार वो भी यहाँ। अब हमके कोनो शंका ना हा, अब हमके मालूम है कि विद्या यहाँ पर है तो आपके ख्याल बहुत अच्छा से रखे हैं, और अब हम जा सकत हैं। ला सागर भी आ गई घाट से। अच्छा अब हम चलत है। बेटा तू एगो काम करा, तू ही जरा बैग गाड़ी में रखा, हम इनका अभी के दवाई दे के आवत है। बिल्कुल। और बाकी के दवाई वो अलमारी में रखा, तू इनका टाइम से दे दिया। जी बिल्कुल। हम सब अच्छा? कर ले बच्चा से। माय जैकेट। जी अब हम आपकी ये तो देवे आयल रानी। पेपर से घर गिरवी रखे खाते हम अभी सौकर के पास से लेके नहीं है, यहाँ अंगूठा लगा दी। तू पढ़ ले वो कागज। हाँ भाभी आप कैसे बात करते हैं, बिना पढ़े हम आपसे अंगूठा लगाए का? भाभी आपके हम पर भरोसा ना है का? आप कहीं तो हम क्यों के बुलवा देते हैं उकड़ा से पढ़वा ली। ना ना हम तो ऐसे ही पूछनी। लगाई ना अंगूठा। अब दीदी दिल कड़ा करके अंगूठा लगा दी ना। बहुत बढ़िया, अब ब्याह हो कि ना हो हमने के तो हमारा सगुन मिल गई, जेठ जी के आखिरी निशानी। अब भोजन तैयार है। खाना के खुशबू बता रहा था कि तू खाना बहुत प्यार से बनेले हो। तुहार उमा अम्मा तो हमके बिल्कुल उबलल बेस्वाद खाना दे देले। अच्छा तू ही बतावा, ऐसन खाना के देख के कोनो आदमी के भूख जाग सकेला? चला इसे पहले क्यों थानादार आ जाई, हम जल्दी से खाना के हजम कर जाते। एक मिनट। का भाई खाना में मिर्ची बहुत ज्यादा हका ना? आप भोजन से पहले प्रार्थना तक कहीं नहीं ना भाई।
हम तो इतना साल से शहर में रहत रहत ना प्रार्थना करल भूल गई नी। तो हमके सिखबू कि भोजन से पहले कौन प्रार्थना कैल जाला, कैसे कैल जाला? मतलब कि आपके सच में प्रार्थना करे ना आवेला? सच्ची ना आवेला। हमके तो माँ तब सिखेले रहे जब छोटा सा रहली। हमार माई तो हमार बचपन में ही गुजर गेल रहे, अब तक तो के सिखावे के पड़ी। तो फिर ठीक है, आप ऐसे हाथ जोड़ी इला। हे शंभुनाथ, ये भोजन जे आप हमके प्रदान केले हैं, ये भोजन जे हमके शक्ति देवेला, ये अन्न जे हमके छोटा सा इतना बड़ा कैलस, ये अन्न के हम आपके समर्पित करत हैं। अब आप भोजन कर सकत है। हम आपके और अपना दोनों तरफ से प्रार्थना कर लेले हैं। पता है हमार माँ कहेली कि अगर भोजन के भगवान के प्रसाद मान के ग्रहण कैल जाए तब भोजन और स्वादिष्ट हो जावेला। तुहार माई बिल्कुल सही कह दिया। एगो बात पूछी, सच सच बतैया, तुहार चाचा चाची तुहरा से अच्छा बर्ताव ना करेला ना? ना ठाकुर साहब, आपसे के कहलस? हमरा से छुपावत आरो, का हम उदिन खुद ना देखले रहे कि वो लोग तुहरा से कैसन बर्ताव कैले रहे? हम तो सोचत रहली ओकरा हवेली के काम से अलग कैथी। ना ठाकुर साहब, हम ऐसा कब्बो ना चाहब। हर गलत बात के जवाब गलत तो ना होवे के चाहे ना। तैयो तू इतना साथ काहे बारू? माँ के खातिर। हम जानत है कि हमार एक आंसू उनका रुला के रख देवेला और हम उनका परेशान ना दिख सके नी, यही खातिर हम असत हसत सब सह लेनी। और ऐसा ना ठाकुर साहब की कब्बो हम यहाँ से दूर जाए के या फिर उनका सहूलियत देवे के ना सोच ले हैं। पर माँ के जड़ यहाँ हा और यहाँ से उजड़ कर वो फिर कहीं ना बस पाई। और हम जानत है कि हमार शंभुनाथ हमके परख रहल है और हम उनका जीते ना दे। अगर केहू के तोहरा नियन बेटी हो तो ओकरा केहू और की जरूरत निखे। काश हमरो तोहरा नियन एगो बेटी रहित। चला आज से तू हमार सागर के बहू ना, हमार बेटी हो, ठीक है? बस एक बार वो विद्या के अंगूठा लग जाए कागज में तो ये घर हमनी के हो जाए और फिर हम वो दोनों माँ बेटी के लात मार के यहाँ से निकाल दे। बाकी माँ, अंगूठा लगावे से घर हमने की कैसे हुई? घर तो फिर भी साहूकार के पास रही। घोड़ी, कौन सा साहूकार, कैसन साहूकार? अरे हेने साहूकार तो हमनी बानी, हमनी ही दे रहल बानी बेटी के ब्याह खातिर पैसा। यहाँ विद्या अंगूठा लगेली वहाँ घर हमने के हो गई, समझे तो कि घर गिर भी रखल बा। अरे उनका के का पता कि 1,00,000 रुपया में वो लोग घर हमनी के नाम कर दे ले। बाकी अगर उलो के पता चल गई तो? अरे अकल के अंधी, दोनों अंगूठा छाप है तो ओकरा पता कैसे चली? एकरा कहल जाला मौका के सही फायदा उठावल।